अनुजा केलकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए। इसमें हम आज इंटरनेट एडिक्शन या इंटरनेट ओवर यूज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या उसका उपयोग कम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी आज जानकारी देने वाली हूँ। हम आज सभी लोग ऑलमोस्ट हमारा जो दिन का बिजनेस है या जो भी हम काम करते हैं वो 90-95% इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं या कंट्रोल में रख सकते हैं। अब इसमें मैंने जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया है कि दो चीजें मुझे हर बार लगती है इस मामले में, कि जो घर के बड़े हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, वो इतना मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और कंटिन्यूअस वीडियोस देखते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं या फिर सॉन्ग्स डाउनलोड करते रहते हैं, मूवीज डाउनलोड करते रहते हैं और उसमें बिजी रहते हैं। वही घर के बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनकी भी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी जागृत होती है कि ये क्या मोबाइल में करते रहते हैं, और धीरे धीरे वो भी सर्फिंग करते करते, उसके बटन्स दबाते दबाते वो धीरे धीरे वो भी सीख जाते हैं और वो भी फिर वीडियोस डाउनलोड करना, गेम्स डाउनलोड करना, मूवीज डाउनलोड करना वो भी सीख जाते हैं। दूसरा, यानी पेरेंट्स जो है वो अगर घर के बाहर है, यहाँ कहीं घूमने गए हैं या शॉपिंग के लिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स में गए हैं या फैमिली फंक्शंस में है, और वहां अगर बच्चे तकलीफ दे रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, तो मोबाइल बच्चे के हाथ में थमा देते हैं और उसको एक जगह बैठा देते हैं। अब वो अपना अपना बिजी हो जाता है और मोबाइल देखने लगता है। अब कहीं ना कहीं हम उसका, उसकी जो आदत है उसको हम एनकरेज कर रहे हैं कि बाबा देखो वीडियो। तो ये दो चीजें हैं, ये मैंने हर बार ऑब्जर्व की है, हर घर में ऑब्जर्व की है। तो इसलिए हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अब इसके साथ बच्चों का इंटरनेट यूज कंट्रोल में लाने के लिए कुछ और पॉइंट्स बताती हूँ। उसमें का फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को एक टाइम लिमिट सेट करके देना चाहिए, यानी एक घंटा इंटरनेट या मोबाइल देखो, वीडियोस देखो, गेम्स खेलो, या आधा घंटा या दो घंटे या हफ्ते में एक घंटा, ये एक टाइम लिमिट सेट होना चाहिए। उसके साथ उसका एक वक्त भी सेट होना चाहिए, जैसे स्कूल से आने के बाद एक घंटा देखो या पढ़ाई के बाद एक घंटा देखो। तो इससे काफी कंट्रोल बच्चों पे आ जाएगा। अगर वो कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो क्या डाउनलोड करते हैं ये भी हमने देखना चाहिए, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि एक चीज वो देखते हैं फिर उसमें से दूसरा देखते हैं और वो घंटों देखते रहते हैं और वो डाउनलोडिंग भी करते रहते हैं। तो इसलिए हमने उनको, उन पे नजर रखनी चाहिए कि वो क्या डाउनलोड करते हैं, कौन से गेम्स डाउनलोड करते हैं। इसके साथ जो वो खेलते हैं नेट पे या चैटिंग करते हैं या मूवीज देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, तो वो उनके साथ बैठ के देखना चाहिए, ताकि उन्हें भी ऐसा लगे कि नहीं नहीं हमारे पेरेंट्स की या हमारे घर के बड़ों की हम पे नजर है। अब काफी बच्चे जो है ये ज्यादातर खेल जो है, गेम्स जो है, वो मोबाइल पे ही खेलते हैं, उन्हें फील्ड गेम्स पता ही नहीं है। तो हमें उनको उल्टा बाहर भेजना चाहिए घर के, उन्हें फील्ड गेम्स खेलने के लिए एनकरेज करना चाहिए। काफी घरों में ऐसा है कि बच्चों के फ्रेंड्स को घर में आने का परमिशन नहीं है, इसलिए फिर बच्चे थोड़ी देर नीचे खेलते हैं घर के बाहर और फिर घर में आके मोबाइल पे शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है ये भी पेरेंट्स ने रोकना चाहिए और उनको उल्टा अपने फ्रेंड्स को घर में लाकर उनके साथ खेलने के लिए एनकरेज करना चाहिए, ताकि उनका इंटरनेट यूज कम हो जाए। बाकी ऐसी चीज है कि बच्चे आजकल बाहर जाना, फैमिली फंक्शंस में जाना या फिर किसी के घर जाना अवॉइड करते हैं और घर में बैठ के मोबाइल देखते हैं, तो ये भी उनका रोकना चाहिए और उन्हें अपने साथ जाने के लिए बोलना चाहिए, उनका ये बिहेवियर है ये थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। अब इसके साथ टीनेजर्स जो है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इनमें भी ये चीजें हमने इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि जो ये एज है, जैसे
12 साल 15 साल 18 साल तो ये एज में काफी शारीरिक बदल होते हैं, मानसिक बदल बच्चों में होते हैं, तो इसकी वजह से उनकी स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ती है। ये एक करियर का टर्निंग पॉइंट भी ये पीरियड में आता है, इसलिए ये भी स्ट्रेस लेवल उनका ज्यादा होता है। तो ये पीरियड में बच्चे ज्यादातर इंटरनेट यूज में जाने का संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने आप को कहीं तो भी रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, कहीं तो भी एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं। उसमें फिर वीडियोस देखना, मूवीज देखना या फिर गेम्स डाउनलोड करना, ये उनका एक सहारा होता है, उनका लोनलीनेस कम हो जाता है। तो इसलिए पेरेंट्स ने अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। वो घर में आने के बाद उनसे इंटरेक्ट करना, दिन कैसा गया उसके बारे में बात करना, एक साथ टेबल पे बैठ के खाना खाना, ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर काफी बच्चों को ऐसी आदत होती है कि घर में अगर है तो दरवाजा बंद करके वो मोबाइल पे चैटिंग करते रहते हैं या वीडियोस देखते रहते हैं, तो ये उनकी जो आदत है वो बदलनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि घर में है तो दरवाजे बंद करके मत बैठो, दरवाजे खुले रखो, तुम तुम्हारा प्राइवेट जो कर रहे हो काम करो, लेकिन दरवाजे बंद करके मत बैठो। तो इससे भी हमारी नजर उन पे रहती है, वो क्या करते हैं उस पे हम नजर रख सकते हैं। इसके साथ वो बाहर जाना अवॉइड करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स जो है वो सब सोशल मीडिया से आते हैं, उनके फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं, तो ये जो है ये हमने कम करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि सोशलाइज करो, बाहर पिकनिक्स के लिए जाओ, फैमिली फंक्शंस अटेंड करो, गैदरिंग्स अटेंड करो, ताकि वो इंटरैक्टिव हो, कम्युनिकेट कर सके लोगों से और सोशलाइज कर सके। अब इसमें काफी लोग ऐसे हैं जिनको खुद को समझता है कि हम मोबाइल के या इंटरनेट के एडिक्ट हो चुके हैं, तो ये एडिक्शन कम करने के लिए उनको ये ऊपर जो मैंने बताया वो तो करना जरूरी ही है, लेकिन इसके साथ हमारा जो इंटरनेट यूज है वो कम करने के लिए जो एप्स हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है वही हमने हमारे मोबाइल में रखना चाहिए। हम क्या करते हैं कि काफी चीजें सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या फिर और कुछ जो भी चीजें जो अननेसेसरी है वो भी रखते हैं और फिर टाइम पास करते हैं, और ऐसा टाइम कैसे निकल जाता है हमको पता ही नहीं रहता। इसलिए जितनी ऐप जरूरी है वही रखनी चाहिए, जो ऐप जरूरी नहीं है वो डिलीट कर देनी चाहिए। तो ये हुआ इंटरनेट ओवर यूज या एडिक्शन के कंट्रोल के बारे में जानकारी। इसके बारे में और आपको जानकारी चाहिए हो या कुछ बात करनी हो तो आप हमारे हॉस्पिटल के फोन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर है 9503309619। मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए, इसका उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी पहुंचे। इसलिए ये वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।